देखो, हम अब बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। हमने पहले क्या करा था कि एक रॉड का क्या निकाला था, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला था। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था? तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आया था L/2 पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये आर रेडियस का एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, हमने ए थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट लिया है यहाँ पे। ठीक है, जिसका मास कितना है? डीएम है, और वो आर्क लेंथ कितना है? आर डी थीटा है। ठीक है, डीएम कैसे निकालेंगे अपन? कैसे निकालेंगे? जैसे हमने रॉड में निकाला था। ठीक है, इस पूरी की लेंथ कितनी है? पाई आर। कोई प्रॉब्लम? पाई आर लेंथ की मास कितनी है? एम है। तो वाई सी यू एम कितने के बराबर होगा? ठीक है, एज पर द बेसिक डेफिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, लोअर लिमिट अपन कहां लेंगे? थीटा के फॉर्म में बात करेंगे, लोअर लिमिट अपन 0 पे लेंगे, अपर लिमिट अपन पाई पे लेंगे। ठीक है, डीएम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो 0 पाई। ठीक है, y कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास? तो ये लेंथ हमारा y हो जाएगा। ठीक है, y लेंथ हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू r साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये थीटा एंगल हमारे पास, और रेडियस कितनी है? r। तो y इज इक्वल टू कितने के बराबर आ रहा है? y इज इक्वल टू r साइन थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो r साइन थीटा, ठीक है, dm कितने के बराबर आ रहा था हमारा? dm है एम अपॉन में, ये आर से आर तुम कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू एम आर डी थीटा अपॉन में पाई। ठीक है, तो आर साइन थीटा एम इंटू डी थीटा अपॉन में पाई कितने के बराबर आ गया हमारे पास? ये टोटल का टोटल चीज। ठीक है, मास जो आया अपने पास एम आ जाएगा। ये एम से ये एम कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जो हमारे पास फर्दर जो चीज आ गया, ठीक है, वाई सी यू एम कितने के बराबर आया हमारे पास? तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। 0 से पाई क्यों लिए? ठीक है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, पूरा का पूरा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन में पाई। ठीक है, ये टोटल का टोटल हमारे पास वाई सी एम कितने के बराबर है? आर अपॉन में पाई कांस्टेंट है, अपन बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हें क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू यहां दे लो। ठीक है, इसे तुम इरेज कर सकते हो। अब तुम्हारे पास क्या होगा? आर साइन थीटा, आर यहाँ पे आ ही चुका है हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस आर अपॉन में पाई कॉस थीटा, लोअर लिमिट अपने पास 0, अपर लिमिट अपने पास पाई, इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन में पाई। ठीक है, कॉस 0 कितने के बराबर आएगी अपने पास? कॉस पाई -1 के बराबर, माइनस कॉस 0 1 के बराबर। ये कितनी आ गई? -1 -2, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 2r अपॉन में पाई। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये कहीं यहां पे होगा, 2r अपॉन में पाई। और इसे याद भी रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, हमने जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी मतलब ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जिनके हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था, ठीक है, हम उन पे बात करें। हमने रॉड पे बात कर लिया, हमने क्या किया, एक रिंग पे बात कर लिया। ठीक है, अगर हम वही की फूल की पूरी रिंग की बात करूं, ठीक है, पूरा रिंग देखो, पूरा रिंग तुम्हारे पास मैं बात करता हूं, एक लॉजिक बताता हूं तुम्हें। ठीक है, ये कितना हो गया? ये जितना पोर्शन तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर मैं बात कर लूं अभी तुम्हारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस जितना एक्स एक्सिस में ये पोर्शन जो है तुम्हारे पास पॉजिटिव में, उतना ही निगेटिव में ये पोर्शन है। ठीक है, सेम मास है।
तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितने पे आ जाएगा? जीरो पे। वाई पे अगर मैं बात कर लूं तो इतना वाई में पोर्शन पॉजिटिव में है, सेम टू सेम उतना ही पोर्शन वाई में निगेटिव में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे वाई भी जो तुम्हारा आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। अगर तुम इसे एक्स सी ओ एम अलग निकालोगे, वाई सी ओ एम अलग निकालोगे, ठीक है, तो एक्स के लिए तुम क्या करोगे बता? एक्स के लिए तुम्हारे पास एक पॉजिटिव हाफ में भी रिंग है, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ में भी रिंग है और एक ये निगेटिव हाफ में भी रिंग है, ठीक है। इससे तुम्हारा कुछ अमाउंट आएगा, सपोज मान लो ए आया, यहां से तुम्हारे पास माइनस ए आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली वाई से भी। और एक जो मैंने जो पॉइंट बताया था कि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो एक ज्योमेट्रिक सेंटर पे लोकेटेड होते हैं, तो रिंग का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पे, यहाँ पे बीचों बीच, समझ रहे हो बात को? कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे रिंग का सेंटर होगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0.0 पे होगा, ठीक है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट सेमी सर्कुलर डिस्क का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। देखो करेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क की, किसकी बात करेंगे? सेमी सर्कुलर डिस्क की। इसका भी सेम टू सेम वही फंडा है, ठीक है, कैसे फंडा वही है कि जैसे हमने रिंग पे बात करा था ना, रिंग पे क्या कर रहा था कि एक एलिमेंट उठाया था, ठीक है ना, ठिट्टा से डिठिट्टा एलिमेंट उठाया, वहां से आर्क लेंथ वो सब चीज करा। डिस्क के साथ क्या प्रॉब्लम है कि डिस्क में हम एक रिंग से डिस्क बना रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पूरी की पूरी चीज में बात करूं यहां पे, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास एक डिस्क है, तो डिस्क कैसे होता है ये बताओ? डिस्क की एक अपनी एरिया होती है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये हमने एक छोटा सा छोटे छोटे रिंग को अगर हम बनाते जाए तो ये क्या बन जाएगा? डिस्क का फॉर्मेट। डिस्क की रेडियस कितने के बराबर है? आर है, ठीक है, इसकी मास कितने के बराबर? एम है। सेमी सर्कुलर डिस्क की एरिया कितने के बराबर होती है बताओ? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर होती है, ये एरिया होती है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हो? ये जो हमारे पास रिंग है, ठीक है, रिंग को अपन ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, देखो ये जो हमारे पास रिंग है, ये रिंग जो है हमारे पास, हमने क्या किया, यहां से ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, मतलब आर रेडियस पे एक क्या किया, डीआर एलिमेंट का रिंग को उठा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसकी लेंथ कितनी है? पाई आर। इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है? डीआर है, कोई प्रॉब्लम? इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर डीआर के बराबर हो जाएगी। अब देखो इसकी मास कितनी होगी? वो डीएम होगी। अब अपन को डीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है, कहने का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया का मास कितना है? एम है। यूनिट एरिया का मास कितना होगा? एम अपॉन में ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये पाई आर डी आर एरिया का मास कितने के बराबर होगा? जो वो डीएम है, वो डीएम किसके बराबर हो जाएगा? 2m, ठीक है, पाई आर डी आर अपॉन में कितने के बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहां से तुम पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो जो तुम्हारा जो ये डीएम मास हुआ वो कितने के बराबर हुआ? डीएम मास कितने के बराबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 2m आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो है क्या यहां पे प्रॉब्लम कि तुम्हें पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास। हमें पता है रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना पे होता है? 2r अपॉन में पाई पे होता है, ठीक है, तो y com कितने के बराबर होता है? रिंग का 2r अपॉन में पाई के बराबर होता है, ठीक है, 2r अपॉन में पाई के बराबर होता है। अब देखो y सेंटर ऑफ मास पे हम बात करें तो y सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर होता है? y dm अपॉन में m, टोटल का टोटल चीज, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि लोअर लिमिट सेट करना है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट r। क्यों लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट r? हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां से नीचे से एक एलिमेंट ले रहे हैं, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया होगा,
फिर एक बड़ा सा एलिमेंट ऐसे, तो ये अपग्रेड होकर कहां तक जा रहा है, जीरो से आर, ये टोटल का टोटल कहां तक जाएगा, आर तक, ठीक है। आर रेडियस की हमने क्या की, पहले आर रेडियस ली, आर प्लस डेल्टा लेंगे, फिर आर प्लस डेल्टा लेंगे, ये ऊपर तक कहां तक टच करवाएंगे, यहां तक टच करवाएंगे, आर तक, इसलिए अपर लिमिट कहां लेंगे अपन, आर लेंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखो अब वाई सेंटर ऑफ मास रिंग की कितनी थी, हाँ टू आर अपॉन में पाई थी, ठीक है, टू आर अपॉन में पाई। डीएम कितने के बराबर है भाई, डीएम हमारा कितने के बराबर है, टू एम आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो टू एम आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अपॉन में एम आ जाएगी, ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये टू टू मिलकर फोर हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर, करने का मतलब कि फोर अपरा है जीरो से आर, ठीक है, हमने क्या किया फोर अपॉन में पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम, आर स्क्वायर डी आर हमारे पास अंदर बचा, इसका इंटीग्रेशन अपन कितना ले लेंगे, फोर अपॉन में पाई आर स्क्वायर आ गया, ये आर क्यू अपॉन में थ्री आ गया, कोई प्रॉब्लम, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर के बराबर आ गया, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया फोर पाई अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास आर यहां पे पुट किया अपने अपर लिमिट को, आर क्यू अपॉन में थ्री माइनस जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू फोर अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ये टोटल का टोटल कितना आ गया आर क्यू अपॉन में थ्री, हमारे पास नेट रिजल्ट कितने के बराबर आया फोर आर अपॉन में थ्री पाई। हम क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां होगा फोर आर अपॉन में थ्री पाई, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वाई सी ओ एम किसके बराबर होगा फोर आर अपॉन में थ्री पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सिमिलरली अगर हम बात कर ले कोण की हम बात करें, देखो मैं ये दोनों को बता दिया, बाकी सबका तरीका ऐसे ही है सारे का सारा, ठीक है, कोण का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, अगर वो कोण सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास कितना होगा h बाई फोर पे आएगा, हॉलो होगा, अगर कोण हमारा हॉलो होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास h बाई थ्री पे आएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, डिस्टेंस के बारे में देखो तुम, तुम्हारे पास क्या है कि एक सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है, कैसे फाइंड करोगे तुम ये बताना मुझे, ठीक है, एक है तुम्हारे पास यहां पे एक कोन है, ठीक है, और ये जो तुम्हारे पास ये एक कोन है, ठीक है, कोन के साथ एक हेमी स्फेयर जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी लेंथ जो है वो कोन की वो h है, ठीक है, हाइट जो है इसकी वो h है, जो रेडियस है कहने का मतलब स्फीयर का वो कितने के बराबर है a के बराबर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है कोन है, ये कितना है तुम्हारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, और ये दोनों के दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, कंबाइन सेंटर ऑफ मास इज एट ओ, ठीक है, दोनों का दोनों तुम्हें बताना है ए रेडियस कितना है ए के बराबर और कोन की हाइट कितनी है एच के बराबर, और तुम्हें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि कंबाइन सेंटर ऑफ मास, कंबाइन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज एट ओ, ओ कहां है तुम्हारे पास, ओ ये है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है फाइंड एच बाई ए अपॉन में एच बताना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो इसको अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले अपन बात कर ले कोन का, ठीक है, कोन के बारे में बात करें, इसकी मास कितनी हो गई एम हो गई, हाइट की ये टोटल की टोटल मास एम है, इसकी मास मान लो अपन एम वन हो गई, इसकी हाइट कितनी हो गई एच बाई फोर पे सेंटर ऑफ मास आ गई, स्फीयर की मैं बात कर लू सेमी स्फीयर की, ठीक है, सेमी स्फीयर इसकी मास कितनी है m2, इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी 3a अपॉन में 8 पे आएगी, ठीक है, ये कितना है m1 है ये m2 है, ये 0 कॉमा h बाई फोर है और ये कितना है 0 कॉमा माइनस 3 अपॉन में
एट है, क्यों? क्योंकि हमने इसे निगेटिव ले लिया और ऊपर वाले को पॉजिटिव, ओ को हमने क्या मान लिया है, डिफरेंस एक्सिस, मतलब वहीं पे जीरो के बराबर मान लिया। तो वाई सेंटर ऑफ मास पे मैं अगर बात करूं तुम्हें, ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वाई सी ओ एम, जो हमारा प्रीवियस तरीका है एम वन एम टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ऐसे करके जो है, तो हमने क्या किया, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू, ठीक है, अपॉन में एम वन प्लस एम टू, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वाई में, वो कितने के बराबर है, जीरो के बराबर, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू, ये भी कितने के बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मान लो कि इस पूरी की पूरी जो मटेरियल है, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, रो के टर्म में हम पूरी की पूरी मास को लिख सकते हैं। तो रो, ये कोन की मास कितनी हो जाएगी, वन बाई थ्री पाई आर क्यूब होती है, ठीक है, वन बाई थ्री वॉल्यूम, रो अगर डेंसिटी को अपन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो मास हो जाएगी, वन बाई थ्री पाई, ठीक है, ए आर क्यूब में अगर मैं बात करूं, कौन की देनी चाहिए, वन बाई थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है, ए, ठीक है, एच 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 अपॉन में फोर की बात कर लूं, यहां पर रेडियस पे मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना, तो रेडियस कितनी है, ए के बराबर ही है, कोन की भी, वो नीचे वाले जो सलेंट है, ठीक है, तो वन बाई थ्री पाई आर क्यू, ठीक है, ए वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच होता है आई थिंक, ठीक है ना, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, एच कितना, एच बाई फोर, प्लस रो टू बाई थ्री पाई आर क्यू, एक क्यू, और इसके साथ हमारे ये जो पाई, तुम देख लो, ये जो हमारे जो y1 है, ठीक है, इसे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये y1 तुम्हारा आ गया है, और ये जो h जो है वो रेडियस, ये हाइट हो गया, कोन का जो वॉल्यूम होता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, और जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, और इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, थ्री ए बाई एट, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारा का सारा जो चीज आ जाएगा, ये रो से रो जो ये पूरा का पूरा चीज वो कॉमन लेके जीरो तुम काट लो, तो ये तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, तो एच स्क्वायर अपॉन में ये तुम यहां से निकाल लोगे, ए स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई थ्री के बराबर आया, ठीक है, दिस इंप्लाई यहां से बोल दो ए बाई एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वन बाई थ्री, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि a बाई एच दोनों एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए जो हमारे पास जो ये चीज आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, पूरा का पूरा कितना आ गया, रूट अंडर वन बाई थ्री के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करा, समझ रहे हो चीज को, हमने मिक्स फॉर्मेट में ले आया, एक क्या किया हमने, एक कोन और एक सेमी स्फीयर, ठीक है ना, ये हेमी स्फीयर बोल दो, ये दोनों की अपनी अपनी सेंटर ऑफ मास दी हुई थी, और इन दोनों की जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ रही थी वो एक ओरिजिन पे आ रही थी, हमें क्या बताना था, रेडियस अपॉन में हाइट का रेशियो बताना था, तो ये चीज हो गया। अब देखो दूसरे टॉपिक पे अपन अब मूव करेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो चीज को, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब कि निगेटिव मास कॉन्सेप्ट भाई कैसा टॉपिक है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक सेमी स्फीयर रहेगा या फिर एक डिस्क रहेगा, उस डिस्क में से कुछ पोर्शन कटआउट होकर निकल जाएंगे, देन फर्दर हमें बताना होगा कि अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, किधर शिफ्ट कर जाएगा, समझ रहे हो, तो हम नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हो तुम लोग, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या लिखोगे तुम लोग, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, ठीक है, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, देखो भाई मास कभी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी निगेटिव मास कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कि ये तुम्हारा एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क की रेडियस है आर, ठीक है, इस डिस्क की रेडियस है आर, इसमें से कोई एक छोटा सा हमने एक हिस्सा काट लिया, ठीक है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो अभी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां था, वो जीरो पे था,
कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हमने ये हिस्सा को कटआउट करके बाहर निकाल लिया, अब जो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो कहाँ होगा? तो एक्चुअली इसके जितने मास को अपन कटआउट करके बाहर निकालते हैं, हम क्या यहां जूम करते हैं, उतना ही हमने निगेटिव मास इसमें एड कर दिया। क्या किया? इतना ही निगेटिव मास हमने एड कर लिया। कहने का मतलब कि तुम अगर माइनस एम मास अगर इसमें ऐड करोगे तो टोटल मास कैपिटल एम में से माइनस एम, मतलब ये मास जो है वो तुम्हारा जो अब जो मास रहेगा टोटल मास वो कैपिटल एम माइनस एम में रहेगा। हमने क्या किया कि निगेटिव मास ऐड कर दिया, तो अब जो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन पे ना होके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा। समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन से समझेंगे। देखो क्वेश्चन से कैसे समझेंगे कि मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, और वो डिस्क में से हमने क्या किया कि एक और डिस्क को काट लिया, ठीक है। दो क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे पास डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क की रेडियस कितनी है? इस डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया कि एक r बाई टू, ठीक है ना, हाँ रेडियस इसकी यहीं पे होगी, एक r बाई टू रेडियस की डिस्क को कटआउट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, कटआउट करके बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो? तो अब हमें बताना है कि इसकी जो न्यू मास होगी वो कहाँ होगी। ये o हो गया, ये o डैश हो गया। तो देखो हम क्या बताएंगे कि मास ऑफ ए कंप्लीट डिस्क, मास ऑफ ए कंप्लीट डिस्क, कितने के बराबर है? वो कैपिटल एम के बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर की मास कितनी है? एम है। यूनिट की मास कितनी होगी? एम अपॉन में पाई आर स्क्वायर होगी, और ये जो हमने मास कट आउट किया पाई आर स्क्वायर बाई फोर, इसकी मास कितनी के बराबर हो जाएगी? एम बाई फोर के बराबर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? जीरो पे, ओ वन पे है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ थी? जीरो कॉमा जीरो पे थी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ये आर बाई टू, ये टोटल आर है, इसकी रेडियस आर बाई टू होगी, तो ये कितनी होगी? थ्री आर बाई, बताओ, ये आ गई आपके पास पूरी की पूरी चीज आ गई थ्री आर बाई फोर के बराबर आ गई। कहने का मतलब ये पूरा तुम्हारा आर है और ये डिस्टेंस R by 2 है, तो R minus R by 2 तुम करोगे, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी रेडियस कितनी है? R है, समझ रहे हो बात को, और ये R by 2 तुम्हारा है, तो R minus क्या करोगे? R minus R by 2, समझ रहे हो बात को, हुँ? तो R minus R by 2 कितने के बराबर हो गया? R by 2 के बराबर आ जाएगा। अब अपन वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन? कि एक्सीएम कितने के बराबर होता है भाई साहब? तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तुम देखो हमारा जो ओरिजिनल जो मास जो था वो एम था, उसका जो कोऑर्डिनेट कितने थी? ए कॉमा जीरो थी सेंटर ऑफ मास। अब जो हमने उसमें से मास कट आउट किया m बाई फोर, इसे माइनस से लिखेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? r बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है ना, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, जीरो कॉमा जीरो पे था। अब देखो xum कितने के बराबर हो जाएगी? m1 x1, m1 m, x1 कितना? जीरो के बराबर, प्लस m2 कितना है? माइनस m बाई फोर, इसकी मास, इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी है? r बाई टू पे आ गई, अपॉन में m1 प्लस m2, m माइनस m बाई फोर, ये कितने के बराबर आ जाएगी? ये तुम्हारा जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा? 3m अपॉन में 4, ये टोटल का टोटल चीज कितना आ जाएगा? 3m अपॉन में 4, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? माइनस r बाई सिक्स के बराबर। अब जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जो हो गया ये और माइनस तुम्हारा कितना शो कर रहे हैं यहाँ पे? माइनस r बाई सिक्स। कहने का मतलब कि अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा माइनस आर बाई सिक्स पे। पहले कहां था तुम्हारा सेंटर ऑफ मास?
जीरो कॉमा जीरो पे था, अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास माइनस आर बाई सिक्स पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि तुमने क्या किया कि इतने सारे मास को, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास इतने सारे जो तुमने मास को कट आउट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, तुम्हारे पास रिमेनिंग मास कितना रहा, ये सब तुम्हारे पास रिमेनिंग मास हो गए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर गया, जिधर ज्यादा मास है। इस सेक्शन में जो तुम्हारा जो है, इस वाले सेक्शन में मैं बात कर लू, ये जो तुम्हारा हिस्सा रहा है, इस हिस्से में तुम्हारे मास को कट आउट कर लिया, तो यहाँ पे जीरो मास हो गया। अब जो मासेस बचे जो तुम्हारे, वो इस सेक्शन में, इसलिए सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। कोई प्रॉब्लम? सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, किधर शिफ्ट किया, ओरिजिन से आर बाय सिक्स निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ये है सेंटर ऑफ मास का निगेटिव मास कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी भी बॉडी में से किसी मास को कट कर लेते हैं, देन फर्दर अगर हमें उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास बताने हैं, तो हमने जितने मास को कट किया है उसे हम ट्रीट करेंगे निगेटिव मास की तरह, और उसे एक अलग मास की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे एम वन हमारे पास कैपिटल एम के बराबर आया, एम टू हमारे पास माइनस एम बाई फोर के बराबर आया, ठीक है। हमने जो कटआउट किया मास, उसे हमने क्या बोला, माइनस एम बाई फोर, जो एम टू के बराबर। और फिर हमने जो ट्रेडिशनल जो हमने बेसिक पढ़ा था, एक्सयूएम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और ये चीज निकाल के हमने क्या किया, हमने बता दिया कि हमारे पास जो ये मास आया, ठीक है ना, हमारे पास जो मास जो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आया, माइनस एम बाई फोर जो निगेटिव मास है, उससे जो सेंटर ऑफ मास हमने निकाला वो आर बाई सिक्स, कहने का मतलब ओरिजिन से आर बाई सिक्स डिस्टेंस पे वो पीछे, ठीक है, कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, समझ रहे हो इस बात को। तो ये हो गया निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में जो करा था, हमने स्टार्टिंग में क्या करा था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, मान लो कि एक तुम्हारा एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारे पास M1 मास है यहाँ पे जिसकी पोजीशन वेक्टर है R1 है, और ये तुम्हारे पास M2 मास है जिसकी पोजीशन वेक्टर R2 है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये M3 मास है जिसकी पोजीशन वेक्टर R3 है तुम्हारे पास, तो तुम यहां से क्या बोल सकते हो कि RCOM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने की बराबर हो जाएगी, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, ठीक है, अपॉन में क्या करोगे, टोटल मास। टोटल मास कितने के बराबर है, m के बराबर, ठीक है, m1 plus m2 plus m3 तुम लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते थे, कहने का मतलब ds अपन में dt बोलते थे, तो वो हमें वेलोसिटी देता था। अगर डिस्टेंस को अपन बात करें ds अपन में dt, तो वो अपन क्या क्या देता था, स्पीड देता था। अगर अपन बात करें db अपन में dt, तो वो एक्सेलरेशन देता था। सिमिलरली हम यहां भी क्या बोल सकते हैं कि dr अपॉन में dt, ठीक है, dr अपॉन में dt, ठीक है, ऑफ अ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर हो जाएगी, m1 पोजीशन वेक्टर dr जो हमारा r1 जो था dr1 अपॉन dt, ठीक है, प्लस m2 dr2 अपॉन में dt प्लस m3 dr3 अपॉन में dt अपॉन में टोटल का टोटल क्या हो गया, ये मास हो गया। ये आपको क्या दे दिया, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर दे दिया, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। कोई प्रॉब्लम? देखो तो ये दे दिया हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम फर्दर इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, dv अपॉन में dt, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, ठीक है, अपॉन में टोटल मास। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम इस पे क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें। देखो होता क्या है कि
ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एक एटूड मशीन है, ठीक है ना, एक पुली रहेगी, ठीक है, दो मासेस है, एक मास ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक मास ये है, ठीक है, ये मास 3 kg की है, ये मास 2 kg की है, ठीक है। तुम्हें बताना है सिस्टम रिलीज फ्रॉम अरेस्ट फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, सिस्टम कहां से, रेस्ट है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन बताना है। पहले एक्सेलरेशन तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 m/s², ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और 3 kg की 2 m/s², ये डाउनवर्ड हो जाएगी एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू 2 m/s². कैसे निकाला भाई, हमने सिंपल सा तरीका यूज कर लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आया तुम्हारे पास, 3 - 2, ठीक है, ये सब हमने एनएलएम में बात कर लिया था, ठीक है, अपॉन में 5, 3 + 2, ये कितने के बराबर आ गई, 2 m के बराबर आ गई, 2 m/s² के बराबर। 3 kg के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। किसी एक को पॉजिटिव मान लो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे अगर तुम बात करो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आएगी, m1 कितना है, 3, ये नीचे जा रहा है निगेटिव में तो -2 ले लो, प्लस m2 कितना है, 2, ये पॉजिटिव में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो, अपॉन में टोटल मास कितना है तुम्हारे पास, 3 + 2, 5 kg, कितने के बराबर आ गया तुम्हारे पास, ये -6 + 4 अपॉन में 5 के बराबर आ गया। कहने का मतलब तुम्हारे पास -2 / 5 m/s², ये एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, ये एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आ गई, -2 / 5 m/s² के बराबर। तो ऐसे ही हम सारी की सारी चीजों के मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, जहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, पोजिशन वेक्टर, ये सारी की सारी चीजों पे बात करते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग से क्या किया कि हमने पहले सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया, हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट पढ़े हम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा। नेक्स्ट फर्दर वी मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज लीनियर मोमेंटम, समझ रहे हो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत मजा आएगा, और मतलब क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को तुम रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहो। मैं सारी की सारी जो तुम्हें जो पीडीएफ्स हैं, डीपीपीज हो गए, क्वेश्चंस बैंक हो गई, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट इसके बाद वाले लेक्चर पे मैं क्या करूंगा कि लीनियर मोमेंटम्स के बारे में पूरा का पूरा तुम्हें बताऊंगा, क्या है क्या नहीं है, फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको इस टॉपिक में क्यों लाया गया और क्या इंटरेस्टिंग है और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है, बाय।